हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बॉटम वेयर का हॉल, यानी कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं कुछ ट्राउज़र्स। तो चलो हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि वो कैसे रिसीव हुए हैं। ट्राई ऑन वीडियो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि ये वेयर करने के बाद कैसे लगते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ट्राउज़र है ये बेज कलर का, और इसका जो ब्रांड है वो है आवान ब्रांड का ये ट्राउज़र है। इसकी जो MRP है वो है 629 रुपीज़। इसमें ये वाला जो ट्राउज़र है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, बाकी की जो ट्राउज़र है वो 300 की अप्रॉक्स है। ये जो ट्राउज़र है इसमें 2 बटन है, और ये बिल्कुल कोरियन स्टाइल में है। बैगी लुक है इसका, काफ़ी अच्छा है। इसका जो फैब्रिक था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका फैब्रिक। इसमें पॉकेट भी दे रखी है और लेंथ भी काफ़ी अच्छी आई है इसकी। तो मेरी तरफ से ये एकदम ओके है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वियर करके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसका जो साइज़ मैंने लिया है वो मैंने लिया है 28, और इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है मुझे, सब कुछ परफेक्ट है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। चलो नेक्स्ट ट्राउज़र देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ट्राउज़र है वो है ब्लैक कलर का ये ट्राउज़र, और इसमें जो ब्रांड है वो है कॉटी ब्रांड के काफ़ी अफोर्डेबल आते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और इसमें जो है एक ही बटन दिया हुआ है। इसका साइज़ मैंने लिया है 30, जो मुझे एकदम परफेक्ट आया है। और हाँ, इस वाले जो ट्राउज़र है, इस वाले ट्राउज़र में पॉकेट नहीं आई हैं, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, और इसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। ये मतलब इतने कम प्राइस में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्राउज़र है। आप अगर ये परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो अब हम नेक्स्ट ट्राउज़र देखते हैं। नेक्स्ट ट्राउज़र है ये, मैंने थोड़ा कलरफुल लिया है, ये पिंक, डार्क पिंक कलर का ये ट्राउज़र है, और इसका भी जो साइज़ है वो है 30, और इसका भी ब्रांड कॉटी ब्रांड का है ये भी। और इसमें जो है आगे की तरफ एक ये बेल्ट भी आई है, और आगे एक छोटी सी चैन भी दी हुई है इसमें, और इसमें भी पॉकेट नहीं है, बस एक यही थोड़ी कमी लगी मुझे, पॉकेट नहीं है, बाकी अच्छा है। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा मतलब थिन फैब्रिक है, बहुत कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट और थिन फैब्रिक है, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और वो जो दोनों थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे कैसा लग रहा है ये, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इसका फैब्रिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और थैंक यू, बाय बाय।